इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर विधानसभा में और ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ की जनता से जानना चाहते हैं कि इस बार किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी। मुद्दा विकास का होगा सर्बानंद पांडे, मुद्दा विकास का होगा वोट के लिए, और भाजपा अच्छा विकास कर रही है इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। और क्षेत्रीय विकास कितना हुआ है आपकी तरफ? कुछ नहीं हुआ है क्षेत्रीय विकास, कुछ नहीं हुआ है। जिला स्तर पर विकास हुआ है, क्षेत्रीय विकास काली प्रसाद ने कुछ भी नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्रों के रोडों का क्या हाल है? यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों का ये है कि घर से निकलते समय तो जा रहे हैं लेकिन लौटने की कोई गारंटी नहीं है, रोड इतनी खराब है और एक भी काम नहीं हुआ है रोड के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप, इस बार विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने बचे हैं? मैं राम मनोहर शर्मा तिलौली जिस चौराहे पर खड़ा हूँ, या उत्तर प्रदेश जिले के देवरिया जिले के सुदूर अंचल गांव में यह चौराहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास किया हुआ सिर्फ एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषय हैं जो केंद्र की सरकार की योजना रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना रही है, चाहे वह ग्रामीण डेवलपमेंट की शुद्ध पेयजल योजना हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। यह जरूर है कि कोरोना काल के वजह से कुछ विकास मेरी धीमी पड़ी हुई है, वह परिस्थितिजन्य है, नहीं तो अगर एक छोटे स्तर पर देख दिया जाए जो वैक्सीन जिस महामारी से निपटने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक बहुत बड़े मिशन पर काम की है, जीवन रक्षक बिंदुओं को ध्यान में रखा है, चाहे वह कोरोना के उस भयंकर महामारी के समय में लोगों को सुविधाओं मुहैया कराना, चाहे वह खाद्यान्न सामग्री हो, राशन सामग्री हो, या वैक्सीन का उत्तर प्रदेश में दूसरा डोज भी सर्वाधिक रूप में लग गया है, चिन्हित किए गए हैं कि कम से कम कितने लोग बाकी रह गए हैं। वैसे ही पेयजल में भी एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसका काम अनवरत चल रहा है। और भी कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? दुर्गेश शर्मा जी। तो इस विधानसभा चुनाव पास में आ गया है, क्या आपको लगता है किस मुद्दे को लेकर? काली प्रसाद से हम व्यक्तिगत रूप से और हमारे क्षेत्र की जनता, माननीय हमारे सांसद महोदय रविंद्र कुशवाहा जी हैं, बहुत ही असंतुष्ट हैं लोग। एक सड़क है ला रोड टू रेवली, एक सड़क है पिंडी टू भागलपुर, जो हमारे क्षेत्र की सबसे प्रमुख सड़क है, उस पर इन लोगों का आज तक किसी का कोई ध्यान ही नहीं गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ काली प्रसाद को वोट नहीं दूंगा, चाहे वो किसी पार्टी, चाहे किसी पार्टी से आए। अगर भाजपा से उनको टिकट मिल जाता नहीं, है फिर तो नहीं देंगे। मैं खुद बीजेपी का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, पैदाइशी भाजपाई आदमी हूँ, लेकिन काली प्रसाद को और रविंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देंगे। बस मतलब क्यों नहीं देंगे? इतने सड़ियल नेता पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नहीं मिलेंगे। क्या मतलब विकास नहीं विकास का वो अपनी मुद्दा को लोग उठा नहीं पाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको पता नहीं है। नेता बन गए हैं, काम कुछ नहीं है, एक पैसे का काम नहीं है उनका। यहाँ की जनता यहाँ के विधायक से काफ़ी नाखुश दिख रही है। विधायक और सांसद लोग गांव में आ जाते हैं और अपने बिरादरी को, कुशवाहा बिरादरी को लेकर और वोट के लिए मांगते हैं और आज तक जीते हैं। 40 घर हमारे ग्राम सभा तिलौली के कुशवाहा बिरादरी है, आज तक रविंद्र कुशवाहा कभी आए नहीं हमारे ग्राम सभा में। और क्षेत्र के विकास के लिए पिंडी वाले से लेकर भागलपुर तक के काली प्रसाद विधायक और रेवली से लेकर लारूट तक लेके कोई सड़क का निर्माण, कोई कार्य, कोई अच्छा काम लोग नहीं किए हैं लोग।
बस कोई काम नहीं हुआ। नहीं कोई काम नहीं किया है लोग यहाँ की जनता काफी भी यहाँ के सांसद माननीय रविंद्र कुशवाहा और विधायक जी से यहाँ की जनता त्रस्त है और यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, निचली स्तर से कोई विकास नहीं हुआ है, ऊपरी स्तर से विकास हुआ है। आइए बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी गांव तिलोरी का। इस बार क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार और आप मतलब किस मुद्दे को अपने मन में लेकर जाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं और एक जो सबसे हृदय विदारक मुद्दा रहा कि कोरोना में जो सेकेंड पीक आया था, दूसरी लहर जो थी, उस लहर को यह भाजपा सरकार उस स्तर पर निपट नहीं पाई। ऑक्सीजन की कमी से सही बात है कि बहुत सारे लोग मारे गए जिनकी कहीं कोई गिनती नहीं है, इस मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरह फेल थी। नहीं तो इस लेकिन ऑक्सीजन के जैसे अचानक पेशेंट बहुत बढ़ गए जी, तो वहाँ सरकार कोई भी रहती नहीं, 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 वो सरकार कोई भी रहती तो फेल होती। लेकिन सरकारों का काम यही नहीं है कि जो हम एक व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था चल रही है, उसी को हम चला रहे हैं। एक आइडिया एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक बार कोरोना आ चुका था, दूसरी बार शुरुआत हो चुकी थी, तो प्रदेश में बैठे हुए जो इनके आका हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनको एक अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि इस तरीके की महामारी जो है दोबारा आ सकती है। यहाँ पर सरकार फेल रही, क्योंकि मेरा अपना अंदाज़ा है कि लगभग अभी अभी लगभग हर जगह प्रचार पे देख रहे होंगे कि फर्स्ट डोज लगभग सभी को लग चुका है, ये सरकार की बड़ी उपलब्धता बताई जा रही है। हाँ, ये हो सकता है कि जो सरकार फेल्योर हुई, उस फेल्योर को खत्म करने के लिए यह सही बात है कि कोरोना का टीकाकरण जो है बड़ा युद्ध स्तर पर किया गया। इसके लिए सरकार को बिल्कुल बधाई दी जानी चाहिए कि इन्होंने कोरोना का टीकाकरण बड़ा बेहतर कराया, लेकिन कोरोना कि जो सेकेंड लहर थी उसमें यह सरकार फेल थी। इन दोनों बातों को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ लोगों भाई ये तो समाज का भी काम है, सरकार का भी काम है। और जहाँ तक यहाँ बात की जाए, स्थानीय स्तर की बात की जाए, तो जो वर्तमान हमारे विधायक जी हैं काली प्रसाद जी, अगर इनको टिकट मिल गया तो निश्चित तौर पे हार निश्चित है भारतीय जनता पार्टी, चाहे कुछ भी कर ले, चूँकि आम जनता के सामने। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इन्होंने जनता से अपने आप को कभी कनेक्ट नहीं किया, जनता से काली प्रसाद जी ने अपने आप को कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया, हाँ अपना निजी विकास जरूर किया। क्षेत्र के लोगों में एक रोष है कि वो अपना निजी विकास जरूर किए, लेकिन क्षेत्र के विकास के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। यहाँ से कितना दूर होगा उनका घर लगभग? यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर। उनके घर तक जाने में रोड ना घर तक जाने में रोड सही नहीं है। उनके घर भी जाने में कहाँ, उस गांव में जरूर कुछ सड़कें, उनके मकान के अगल बगल कुछ सड़कें ठीक हैं, लेकिन उस गांव में जाने के लिए सड़क ठीक नहीं है। राम सत यादव जी, इस बार विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने रह गए, आपको क्या लगता है? हमको लगता है भाई भारतीय जनता पार्टी से आदमी उब गए हैं जी, तो इस बार कोई काम नहीं। 700 किसान मर गए बॉर्डर पर जी, आज सरकार के अंदर जू नहीं आई जी, जो किसान की बात नहीं सुनती है, मरने पर नहीं कुछ करती है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, सरकार ने आदेश किया, सब फेल हुआ। नोटबंदी देखिए, नोटबंदी में 230 आदमी मर गए लगभग, हमको मालूम है कि वो भी बेकार हो गया, जितना पैसा था उतना ही बैंक में खींचा गया। और भैया आपका नाम? संतोष कुमार कुशवाहा। आप किसको किस मुद्दे को देखते हुए वोट करेंगे 2022 में? मुद्दा तो सब वही है, कोई फायदा नहीं है कुछ कहने के लिए जी। अखिलेश हो या योगी हो, सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही जैसे हैं, सबका काम। भैया का कहना है कि सब एक ही जैसे हैं, सभी लोग यहाँ खड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? अजय। किस बार चुनाव में किसको किस मुद्दे को देखते हुए आप वोट करेंगे? मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी को जी, क्यों वोट करेंगे मोदी जी को? वो आवास दिए हमारे गांव में, हमको भी मिला है। आपको भी आवास मिला है? मिला। आइए यहाँ कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भी आपका? प्रतीक तिवारी सर। ओ 18 साल एज हो गया है जी, तो 2022 में किसे वोट करेंगे? अब ये तो बताना नहीं चाहिए हमें, किस तो मुद्दे को रख किस मुद्दे को देखते हुए आप वोट करेंगे? हम स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई को देखकर ही करेंगे जी।
जी। तो क्या लगता है किस सरकार में शिक्षा का व्यवस्था सही है? अब सरकार पूरा होने ही जा रहा है कार्यकाल, अब हम अपने वोट के माध्यम से ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ बताना तो सही नहीं है। चलिए, मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है जी। क्या सर? तो 2022 में विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पर आप लोग नवयुवक हैं? कहा जाता है कि हिंदुस्तान के जो नई पीढ़ी है यही हमारे देश का भविष्य है, किस मुद्दे को और क्यों, किस पार्टी को और क्यों वोट देंगे, किस लिए आपके? सर सिचुएशन के समय हम देख के वोट देंगे कि कौन पार्टी क्या कर रही है। का नाम? शैलेश कुमार कुशवाहा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? हमारे ख्याल से तो लग रहा है कि भाजपा ही की सरकार बनेगी। विकास मुद्दा? विकास तो मुद्दा है, लेकिन क्षेत्रीय जनता जो है आक्रोशित है, इस जो है किससे आक्रोशित है? भाजपा से? नहीं, भाजपा से आक्रोशित नहीं है, इस विधायक और सांसद से आक्रोशित है। क्यों? इस नाते कि जो है ये कार्य जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। सरकार अपना कार्य अच्छी तरीके से कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या कैसा कार्य लोग नहीं कर रहे हैं अपना? अरे अपने मान लीजिए अपने क्षेत्र में सड़क, अपने क्षेत्र में और देख रेख करना, इस तरह की जो सड़कें हैं वो बन नहीं पाई हैं आज तक। 5 बरस का समय बीत गया, फिर चुनाव आ गया, इसी पर चुनाव लोग लड़ते हैं कि नहीं मैं सरकार बनाऊंगा, ये है वो है, तमाम तरह की बातें करते हैं। आइए यहाँ से बात करते हैं कि 2022 विधानसभा में इस बार की जनता किसे वोट देगी देगी। क्या नाम है भी आपका? चंचल शर्मा जी। भैया आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे? विकास हुआ है यहाँ पे, मोदी जी बेस्ट, योगी जी बेस्ट जी, बस। मतलब बीजेपी को? हाँ, मेरे बीजेपी को हो जाता है। क्या नाम है आपका? चंचल शर्मा। चंचल शर्मा देवरिया विधानसभा? नहीं नहीं, हम आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ से? नाम क्या है? हमारा नाम तो प्रबल यादव है जी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को आप देखते हुए वोट करेंगे? मुद्दे को ये मुद्दा मेन यही है कि हमारे जो बच्चे पढ़ लिख करके जो डिग्री हासिल किए हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा है रोजी रोजगार का, उनको रोजी रोजगार चाहिए। हाँ, किसान भी हैं हम, कुछ किसान खेती भी करते हैं, हमारे खेती के उपज की ये हाल है, आज जो धान 1200 रुपये कुंतल बिक रहा है उससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, उससे अधिक तो लागत लग गई है, तो कहाँ किसानों की आय दोगुनी हो रही है। मतलब भाजपा सरकार में किसानों के लिए कुछ नहीं है जी। हाँ, और क्या दिक्कत ये हो गया है कि जो उस समय एक उस पर क्रय केंद्र पर खरीद लिए जाते थे धान, वो आज ये हाल है कि सारा क्रय केंद्र केवल मिलरों के ऊपर हैं और व्यापारियों के ऊपर हैं, कि व्यापारी खरीदेगा मिलरों को देगा और वह चावल सीधे सप्लाई करेंगे इनको, क्या नाम है, खाद्यान्न विभाग को, धान नहीं लेंगे, इस नाते किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। अभी आपके बगल में भैया आजमगढ़ से हैं, बोल रहे थे मोदी जी बेस्ट है। भाई बेस्ट तो कह तो रहे हैं कि बेस्ट, भाषण बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन मंदिर बन गया, विश्वनाथ मंदिर बन गया, ये तो बढ़िया काम हुआ है, हम भी धर्म को मानते हैं, लेकिन हमको रोजी रोटी हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा तो हम कहाँ लेके घुमाएंगे उनको। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों इतना बवाल हो रहा है? योगी जी तो सारे उनको क्या नाम है जो गुंडे बदमाश हैं उनको जेलों में डाल दिए हैं, उसके बाद भी गुंडे ही कैसे हो रही है, कहाँ से गुंडे आ रहे हैं? यही कम नहीं हुआ है भाजपा? नहीं कम हुए हैं। पहले जब बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो अराजकता पैदा होगा, छिनैती होगी, डकैती होगी, लूट होगा।